दोस्तों नमस्कार, आरटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आया हूं गांव कोतवालपुर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में। दोस्तों यहां पर अभी कुछ दिनों पहले प्रधान पद के लिए चुनाव हुए थे और उसमें कोतवालपुर में आठ प्रतिद्वंदी थी, यानी आठ प्रतियोगी थी उन्हें, और धर्मेंद्र जी ने सबको पछाड़कर जीत हासिल की है। इसके पीछे जनता का प्यार है या उनका राजनीतिक करियर है या उन्होंने विकास के कार्यों से पहले ही करा दिए थे इसलिए उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ है, चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर पहले थोड़ा आपका परिचय हो जाए। जी मैं धर्मेंद्र कुशवाहा हूं, प्रधान कोतवाल को। सर जी जी सर, आरटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है और पहले हमारी तरफ से आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं सर, और आपका पांचों साल ये बहुत बढ़िया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर आपको जनता ने इतना प्यार दिया, आप इतने प्यारे हैं या आपके काम इतने प्यारे हैं? मैं कैसे समझ लो, बाकी जनता का प्यार मिला है और हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि जी जी जिसका मैंने प्यार जी जी। सर आपने कोई ऐसे विकास के वादे किए, ऐसे कोई लुभावने सपने जिन्हें आप 100% अपने 5 वर्षों में पूरा करेंगे, या सिर्फ बस प्यार ही था, विकास के कार्य अब शुरू होंगे? विकास कार्य शुरू होंगे, विकास कार्य के लिए लोगों को भरोसा भी दिया है, उनको जो दो भरोसा दिया उसे पूरा भी करेंगे जी जी। सर अभी तक जैसे अभी शपथ हो गई सर आपकी? अभी नहीं हुई। अभी शपथ नहीं हुई तो कुछ सैनिटेशन वगैरह सफाई वगैरह कुछ शुरू होगा? सफाई योजना से चालू हुआ, जिसमें हम चुनाव जीत के आए थे, गांव में सफाई योजना से चालू हुआ और पहले से बहुत ज्यादा बेहतर सैनिटाइजेशन भी हुआ। ये सब आपने अपनी जेब से कराया? अपनी जेब से कराया। धर्मेंद्र जी ने बगैर शपथ लिए ही काम शुरू कर दिया है, अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन भी गांव में हो रहा है, सफाई भी ये गांव में करवा चुके हैं। सर आपका जो विकास के कार्य में सबसे प्राथमिकता आप शुरुआत के दिनों में किस काम को देंगे? सर सबसे पहले तो गांव के नालों की सफाई और रास्तों की सफाई, ये सबसे अहम मुद्दा रहेगा। जी जी। सर जैसे अभी COVID-19 चल रहा है तो अभी गांव में क्या पोजीशन है इसको लेकर? अभी गांव में अभी तो हालत ठीक है, लेकिन लगभग अब से एक महीने पहले हालत बहुत अच्छे नहीं थे जी, 4-5 बेहतर भी हुई है कोविड से जी, लेकिन अभी थोड़ा हालत सामान्य। तो क्या आप इस पोजीशन में जनता के साथ है? जी बिल्कुल। सर एक बार गांव की जनता को ये आश्वासन आप दोगे कि गांव में कोई भी COVID-19 से परेशान है, घर में खाना नहीं है, बेरोजगारी हो गई है या इस पे काम नहीं है, बीमारी या ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें आप उनकी कहां तक हेल्प करोगे, एक बार सीधा जनता को बता दें? उसके लिए हम 24 घंटे तैयार हैं, गांव में अगर किसी भी मरीज को दवाइयों की, खाने की, कोई भी अगर किसी चीज की कमी होती है तो उसके लिए हम 24 घंटे तैयार करें। सर एक बार गांव की जनता को अपना नंबर बता देंगे? जी 9899249924 9899249840। दोस्तों धर्मेंद्र जी का कहना है कि गाँव कोतवालपुर में कोई भी COVID-19 से परेशान है, बेरोजगार है, घर में खाने को नहीं है, बीमारी है, दवाई नहीं है, वो सीधे धर्मेंद्र जी से किसी भी वक्त संपर्क कर सकते हैं, ये आपके साथ खड़े हैं। सर बहुत अच्छा। सर शिक्षा के क्या स्तर है फिलहाल गांव में? शिक्षा के स्तर सामान्य है, पहले के अपेक्षा बच्चे बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, काफी रुझान है उनका शिक्षा की तरफ। सर गाँव में सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल है। कौन सी क्लास तक है सर? 8वीं क्लास तक। तो सर आपकी कोशिश होगी इसे 10th-12th तक करवाने की? कोशिश होगी कि भविष्य में ज्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 10th तक ये स्कूल, कम से कम 10th तक, ताकि यहाँ की बालिकाओं को बाहर ना जाना पड़े। सर बहुत अच्छी बात है। सामुदायिक केंद्र सर कोई? वो नहीं है समुदाय केंद्र, नहीं है। उसके लिए सर कहाँ जाना पड़ता है अगर कोई बीमार हो जाता है? उसके लिए चरोड़ी हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन अभी उपकेंद्र के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर बैठे और अच्छी सुविधाएं हों। आपकी कोशिश होगी कि जल्दी जल्दी यहाँ भी उसका कोई उपकेंद्र बन जाए ताकि मरीजों को किसी छोटी मोटी बीमारी के लिए तो कम से कम बाहर ना जाना पड़े। सर बहुत अच्छी बात है। ग्राम पंचायत है सर यहाँ पर? जी ग्राम पंचायत। उसका अपना है यहाँ पर? जी बिल्कुल। सर शमशान घाट और कब्रिस्तान की क्या कोशिश है? बिल्कुल, हमारे यहाँ मुस्लिम आबादी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा अच्छा। और हिंदू के लिए हमारा शमशान घाट, उसकी पोजीशन सर बिल्कुल ठीक है? वो सामान्य है, ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन सामान्य है। तो कोशिश करेंगे वहाँ थोड़ा सा और सुविधा हो? कोशिश करेंगे वहाँ सुविधाएं हो, थोड़ा सा पानी की सुविधा हो, थोड़ा बैठने वगैरह का हो, है ना, तो उसकी कोशिश करेंगे। दोस्तों शमशान घाट में भी सुधार किया जाएगा, वहां पर बैठने की सीटें भी लगेगी और कुछ सुविधा होगी, पानी वाली सुविधा, तो वो भी सर की तरफ से वहां पर पूरा किया जाएगा। सर बहुत अच्छी बात है आपकी। सर जैसे विधवा पेंशन है, वृद्ध पेंशन है, अभी जो चल रही थी वो तो ठीक है, आगे आपकी कोशिश होगी गांव में जो भी तमाम विधवा वृद्ध है उनकी पेंशन बने और उनको प्रॉपर रूप से पहुंचे? जी पूरी कोशिश होगी उनके लिए जी। जितनी भी कोतवालपुर में विधवाएं हैं या वृद्ध है,
जिनकी पेंशन नहीं है वो धर्मेंद्र जी से मिल सकते हैं, इनका वादा है कि उसको पूरा किया जाएगा, प्रॉपर उन्हें आगे पेंशन भी मिलती रहेगी। ये जो अभी आपके प्रधान बने हैं इनकी तरफ से सारे सब कुछ जनता के लिए है, ये जनता के साथ है, इन्हें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। आप इनसे किसी भी बात में इनसे आकर मिल सकते हैं, आपकी कोई भी समस्या ये आपका हल उसका तुरंत करेंगे। सर बहुत अच्छी बात है। सर एक सवाल है बस आपसे, जैसे गरीब तबका होता है सर, प्रधानमंत्री आवास योजना आती है सर, ये प्रॉपर काम नहीं होता, इसमें आधा पैसा बीच में ही बढ़ जाता है। तो आपके गांव में जितने गरीब है क्या हर की छत मिलेगी सबको? जी पहले तो गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं, कोई घर नहीं हमारे में जी, जिसके लिए मतलब मकान की व्यवस्था ना हो। अच्छा, सभी का ही है, ऐसी क्वेश्चन नहीं। अच्छा अच्छा सर, ये गांव आदर्श गांव में आता है क्या? जी आदर्श गांव, आदर्श गांव में आते हैं तो यहाँ तो वैसे सब सुविधाएं सभी होगी। चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों हमारे साथ थे धर्मेंद्र जी। सर एक एक सवाल है सर, मैंने ना अभी यहाँ पर एक दो बच्चों से बात की थी, गाँव में तो खेल के मैदान, सर खेल के मैदान के लिए मतलब कई गांव में मतलब कई गांव के लड़के कह रहे हैं और ज्यादातर प्रधान इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या आपके सामने ये सवाल आया है क्या सर? अभी तक सवाल नहीं आया, लेकिन हमारी अपना अभी ये कोशिश है कि गांव के सहयोग से चंदा इकट्ठा करके कुछ भी करके क्योंकि मतलब बच्चों के लिए खेल मैदान की व्यवस्था की जाए। जी सर बहुत अच्छी बात है। दोस्तों मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ और प्रधान जी भी बता रहे हैं कि गांव में खेल का मैदान नहीं है, इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी कि गांव में कोई खेल का मैदान भी तैयार किया जाए। एलएमसी की जमीन है सर? वो एलएमसी है लेकिन वो बहुत कम हिस्से में, बहुत कम हिस्से में, ऐसा नहीं है कि जगह होती तो उसको हम मतलब उसके खेल के मैदान में लेकर आते, लेकिन वो कहीं 200 मीटर की 400 मीटर इस तरह से डिवाइड हुई पड़ी। अच्छा सर, गांव में ना कई जगह कई गांव में तालाबों का नवीनीकरण किया जा रहा है और उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है ताकि उसका लोग कटाव ना कर सके, उसको बेच ना सके, जैसे प्रधान होती है आजादे वो बेच देते तालाब, क्या आपके जो प्रारूप है इसमें है कुछ ऐसा? देखिए तालाब कितने हैं गांव में? हमारे गांव में दो तालाब हैं। जी जी, और एक का सौंदर्यीकरण पहले हो चुका है, उसकी दीवार हो चुकी है, वो तो उसका तो नहीं हो सकता। जी जी, वो तो हो ही चुका है। दूसरा बाकी उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि उसकी सबकी पक्की चार दीवार हो जाए, उसका लोग कटाव ना जाए और मेंटेनेंस जो उसका आगे ऐसे ही चलता रहे। जी जी, मतलब ये है कि दोस्तों अगले 5 साल कैसे जाने वाले हैं, धर्मेंद्र जी के आश्वासन के हिसाब से बहुत सुनहरे हैं। आदर्श गांव है, इसे और हित करेंगे, गांव की जो समस्याएं हैं उन्हें और ऊपर लाएंगे। प्रधान जी को आपका साथ चाहिए और आपको प्रधान जी का साथ चाहिए, ये दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो विकास कार्य बिल्कुल होंगे। दोस्तों हम 6 महीने बाद फिर आकर देखेंगे विकास कार्य कितने हुए, क्या प्रधान जी ने वो सब सपने पूरे किए हैं जिन सपनों को लेकर वो चल रहे हैं, तो उसमें आपका साथ चाहिए। और तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। मैं आत्रिया से आपका दोस्त राज, गांव कोतवालपुर से।